सुखी परिवार देश की तरक्की का बने आधार। ओके वेरी गुड कट। करण क्या देख रहा है शराब के गिलास में? जब से बुलबुल को देखा है ना इसके साथ उड़ने को मन मचा, बस एक बार मिल जाए। बुलबुल उड़ती चिड़िया है, वो पंखों से नहीं नोटों से उड़ती है, वो भी हजार हजार के। करण की आदत में शुमार है कि जो चीज उसे पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके ही रहता है, और अगर बुलबुल को हजार हजार के नोटों पर उड़ने का शौक है ना तो ये शौक भी करण पूरा करेगा। अच्छा हेलो हेलो। हाँ दीदी मैं करण। हाँ करण बोल कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। और तेरी एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? वो सब परफेक्ट है दीदी, पर क्या करण बता। दीदी वो सब मुझे नहीं पता कि आप मुझे डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपए कहाँ से लाती है। शायद आप दिन रात काम करती होंगी न जाने कैसे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर तू मुझे सबसे पहले ये बता कि बात क्या है। दीदी वो एग्जाम फीस जमा करनी है। फीस? इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता कितनी। वो 3 लाख रुपए देने हैं। 3 लाख? हाँ ठीक है, 3 लाख कवर तो बस हो जाएगा। ठीक है करण, तू अपना ध्यान रख और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ओके ओके दीदी बाय। ओके बाय। नमस्कार एकता जी। नमस्ते पांडे जी, आज हमारे ऑफिस में कैसे? बस आपके दर्शन करने चला आया। आपके दर्शन समझो आज का दिन तो अच्छा ही जाएगा। हाँ। पांडे जी आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद आपका दिन अच्छा जाएगा? अरे ऐसा कहिए, क्या नहीं है आपके पास? एक खूबसूरती की मूरत है आप।
ये तराशा हुआ बदन, मुझे तो लगता है वो सांचा ही टूट गया होगा आपको बनाने के बाद। पांडे जी हाँ। ये सब छोड़िए आप, नागपाल जी पेमेंट दे गए हैं आपके लिए, ये रहा आपका बैलेंस पेमेंट 25,000 रुपए, गिन लीजिए। गिनती गिनते गिनते तो हाँ उम्र हो गई, अब तो वजन से ही पहचान जाता हूँ। ये रहा वाउचर, इस पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। हाँ जी अभी किए देता हूँ सिग्नेचर। थैंक यू पांडे जी। ये लीजिए मेरा कार्ड, कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा इस पांडे को, खड़ा हो जाऊंगा आपकी सेवा में। जी बिल्कुल पांडे जी। अच्छा बेबी मैं चलता हूँ। बाय बाय। एकता क्या बात है, कुछ परेशानी है तुम्हें? पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एकता मेरी कंपनी में सिर्फ मुझे परेशान रहने का हक है, मेरे साथ काम करने वालों को नहीं। बोलो एकता आखिर बात क्या है? सर वो एक्चुअली हमें 3 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। बस इतनी सी टेंशन? हो जाएगा, मैं दूंगा तुम्हें 3 लाख रुपए। पर एकता एक बात बताओ, अर्जेंट तुम्हें 3 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? सर हमारा छोटा भाई MBBS कर रहा है और 3 महीने बाद उसके एग्जाम्स हैं, इसीलिए हमें 3 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू, हर भाई को तुम्हारी जैसी बहन मिलनी चाहिए। एकता मैं एक बात सोच रहा हूं, क्यों ना मैं तुम्हारे भाई को अपना साला बना लूं? हाँ? हाँ पर इसमें तुम्हारी रजामंदी हो तो। पर सर आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। क्या हुआ सर? एकता अब नहीं हूं मैं। समझे नहीं। एकता जब आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था तब मैंने शादी की थी।
पर कुछ ही दिनों बाद मेरी पत्नी के मेरे बॉस के साथ रिश्ते बन गए और दौलत की चाहत के कारण वो छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मुझे डिवोर्स दे दिया, बॉस से शादी कर। और अब वो अमेरिका में सेटल है। सो सैड सर। इट्स ओके एकता, इट्स ओके। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एकता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज हाँ या ना में जवाब देना।